कश्मीर से लेकर पंजाब तक पाकिस्तान की हरकत किसी से छिपी नहीं है। पाकिस्तान की पूरी नजर भारत पर है और भारत की शांति भंग करने के लिए पाकिस्तान ने आतंकवाद को फिर से एक्टिवेट कर दिया है, बड़े पैमाने पर आतंकी हमलों को शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर का हाल किसी से छिपा नहीं है और अब जम्मू के बाद पाकिस्तान की नजर पंजाब पर है। पंजाब में लगातार पाकिस्तान ड्रोन के जरिए से अपने काले मंसूबों को अंजाम देने में लगा हुआ है। एक बार फिर पाकिस्तान ने नापाक हरकत करते हुए ड्रोन से घुसपैठ की कोशिश की है और बिना वक्त गवाए बीएसएफ ने उस पाकिस्तानी घुसपैठी ड्रोन को ठोक डाला। इसी कड़ी में बीएसएफ ने पंजाब के फाजिल्का में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास पाकिस्तान की ओर से आ रहे एक ड्रोन को मार गिराया है। ड्रोन जो पार्सल लाया था उसमें पिस्टल और पैकेट था। बीएसएफ के अधिकारी ने बताया कि पंजाब के फाजिल्का में ड्रोन को रोक लिया गया है, पिस्टल और एक पैकेट भी जब्त किया गया है। एजेंसी के मुताबिक बीएसएफ अधिकारी ने कहा कि पाकिस्तान की ओर से आ रहे ड्रोन को देखने के बाद सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने उस पर गोलियां चला दी। पाकिस्तान अक्सर ऐसा करता है। पाकिस्तान इस समय बड़े पैमाने पर ड्रोन का इस्तेमाल कर पंजाब में सामान भेजने की कोशिश करता है, जिसमें ड्रग्स और पिस्तौल बहुत आम है। ड्रोन को पार्सल बनाकर पाकिस्तान इसे भारतीय सीमा में दाखिल कराता है, लेकिन बीएसएफ की नज़र जमीन से आसमान तक रहती है। जैसे ही सीमा पर हरकत हुई, ड्रोन ने भारत की सीमा में घुसने की कोशिश की, वैसे ही सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने उस ड्रोन की तरफ गोलियां चला दी। तलाशी अभियान के दौरान बीएसएफ को ड्रोन से एक पैकेट मिला। जो ड्रोन बरामद हुआ वो भी मेड इन चाइना था। मतलब साफ है, जो ड्रोन पाकिस्तान में भेज रहा है वो चीन में बनाए गए हैं। पार्सल में 3 पिस्टल और 7 मैगजीन मौजूद थी। हैरानी की बात यह है कि ये बरामदगी फाजिल्का जिले के मेहरसोना गांव से सटे खेत में हुई है। एक दूसरी घटना की बात करें तो उसमें बीएसएफ ने गुरदासपुर के रत्तर छत्तर गांव के पास एक खेत से तकरीबन 2.5 किलो हेरोइन बरामद किया है। पाकिस्तान लगातार नशीले पदार्थ और हथियारों को इसी तरीके से भेज रहा है, बिना मानव नुकसान के ड्रोन का इस्तेमाल कर बड़े पैमाने पर पाकिस्तान घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। लेकिन हर बार की तरह भारतीय सेना पाकिस्तान से आ रहे आतंकी को और इसके साथ साथ वहां से घुसपैठ कर रहे ड्रोन को भी मार रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।